नमस्कार, कविता की थाली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को गौरी और गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस उत्सव के शुभ अवसर पर गणपति बाप्पा को प्रसाद स्वरूप भोग चढ़ाने के लिए हम लोग बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की बहुत ही पॉपुलर और ऑथेंटिक डिश, जिसका नाम है उकड़ीचे मोदक। तो आइए देखते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन सारी चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मोदक के लिए कोटिंग बना लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे गैस पे एक बर्तन रखा है। इसके अंदर हम लोग डालेंगे एक कटोरी पानी। इस कटोरी से मैंने एक कटोरी पानी लिया है। इसी कटोरी से हम लोग एक कटोरी चावल का आटा लेंगे। तो एक कटोरी चावल के लिए एक कटोरी पानी मैंने यहाँ पे बर्तन में डाल दिया है। अब गैस को ऑन कर देंगे और पानी को बॉइल होने देंगे। इसके अंदर हम लोग डालेंगे एक चौथाई चम्मच नमक। नमक यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से मोदक में नमक डाला जाता है। और फिर मैं यहाँ पे डालूंगी एक चम्मच तेल। अब हम लोग पानी को बॉईल होने देंगे। पानी यहाँ पे बॉईल हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मोदक का सफेद कलर बरकरार रहे, तो उसमें हम लोग डालेंगे दो चम्मच दूध और इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। और साथ ही में हम लोग इसमें चावल के आटे को ऐड कर देंगे। एक कटोरी पानी मैंने डाला था, हम लोग इसी कटोरी से एक कटोरी चावल का आटा इसके अंदर ऐड कर देंगे। गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके और इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट हो रहा है, तब तक हम लोग मोदक के लिए स्टफिंग बना लेंगे। इसके लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा के रखी है। इसके अंदर हम लोग डालेंगे एक चम्मच घी। साथ ही में मैंने यहाँ पे लिए है थोड़े से काजू और बादाम के टुकड़े और थोड़े से पॉपी सीड्स यानी के खसखस। ये ऑप्शनल है, अगर आप क्रंची स्टफिंग खाना पसंद करते हैं तो इसे ऐड कर दे या फिर स्किप कर सकते हैं। इसको हम लोग 1 मिनट घी में भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को तब तक भूने जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ड्राई फ्रूट्स का कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं। अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे एक कटोरी घिसा हुआ नारियल। नारियल को भी हम लोग घी में अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पे लो रखें ताकि नारियल हमारा यहाँ पे जले नहीं। 1 मिनट हम लोग इसे ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे। अब हम लोग इसमें डालेंगे 3/4 गुड़। एक कटोरी मैंने यहाँ पे नारियल लिया है, तो उसके लिए हमें लगेगा 3/4 गुड़। अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो 1 कटोरी भर के पूरा गुड़ ले सकते हैं। गुड़ की जगह पे आप शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से स्टफिंग में गुड़ ही डाला जाता है। ड्राई फ्रूट्स और गुड़ की वजह से हमारे मोदक यहाँ पे क्रंची और जूसी बनेंगे। 2 मिनट हम लोग इसे इसी तरह से भूनेंगे। इसे तब तक भूने जब तक गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता। गुड़ यहाँ पे अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी इलायची पाउडर। आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर मैंने यहाँ पे डाली है। इसे अब हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर से मोदक के स्टफिंग में बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे नटमेग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। बस हमें इसे ज्यादा पकाना नहीं है, इसे हम लोग अब ठंडा होने देंगे। मोदक के लिए बढ़िया सा स्टफिंग यहाँ पे बनकर तैयार है। आइए अब हम लोग मोदक के लिए आटा गूंद लेंगे। यहाँ पे मैंने एक स्टील की प्लेट ली है, इसके अंदर हम लोग आटे को निकाल लेंगे। सारे आटे को मैंने यहाँ पे प्लेट में निकाल लिया है। अब हम लोग इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आटे को अच्छी तरह से मसलते हुए हम लोग गूंद लेंगे ताकि जब हम लोग मोदक बनाए तो उसमें दरारे ना पड़े। जितना हम लोग गूंदेंगे उतना आटा सॉफ्ट होता जाएगा। इस तरह से हमने आटे को बना लिया है। अब हम लोग हाथ पे थोड़ा सा घी ले लेंगे और आटे के ऊपर लगा लेंगे। आप देख रहे हैं आटा यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार है। यहाँ पे मैंने लिया है एक मोदक का साचा। इसके अंदर हम लोग आटे को डाल के और स्टफिंग को डाल के मोदक का शेप बना लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे आटा। आटा यहाँ पे अच्छी तरह से रेस्ट हो चुका है।
अब हम लोग इसमें से छोटी छोटी बॉल साइज की लोइयां तोड़ के और इसे सांचे में डाल लेंगे। सबसे पहले सांचे को हम लोग घी से ग्रीस कर लेंगे। दोनों तरफ से हम लोग इसे घी लगा देंगे और इसे बंद कर देंगे। छोटे से आटे की लोई को इसके अंदर डाल देंगे और बीच में अंगूठे से दबाते हुए चारों तरफ से इसे स्प्रेड कर लेंगे। अंदर की पारी थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग इसके अंदर भरेंगे नारियल और गुड़ की स्टफिंग को। उसमें से भी थोड़ा सा स्टफिंग हम लोग यहाँ पे ले लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। जितना ज्यादा स्टफिंग आप लोग इसमें डालेंगे उतना ही मोदक हमारा जूसी बन जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे आटा हम लोग ले लेंगे, उसे प्रेस कर देंगे और इसके ऊपर लगा लेंगे और इस तरह से चारों तरफ से इसे बंद कर देंगे। एक्सेस आटे को हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग इसे खोल देंगे। आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया शेप मोदक का आ गया है। इसे हम लोग साइड में रख देंगे। इसी तरह से सारे मोदक हम लोग बना लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे मोदक बना लिए हैं। अब हम लोग इसे स्टीम कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ली एक छलनी, इसको हम लोग ऑयल से ग्रीस कर देंगे और इसके अंदर हम लोग मोदक को रख देंगे। मोदक को स्टीम करने के लिए मैंने गैस पे एक स्टीमर रखा था, उसके अंदर मैंने पानी डाला था और अब पानी बॉइल हो रहा है। इसके अंदर हम लोग छलनी को रख देंगे। यहाँ पे छलनी को मैं स्टीमर के अंदर रख रही हूँ। अब इन मोदकों को हम लोग 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम कर लेंगे। मोदक को स्टीम होते हुए 15 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। आइए देखते हैं मोदक यहाँ पे तैयार हो चुके हैं या नहीं। मोदक यहाँ पे अच्छी तरह से पक्के तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आप इन्हें तुरंत ना निकालें, थोड़ा सा ठंडा होने दें और फिर 10 मिनट के बाद हम लोग इसे निकाल लेंगे। गणपति बापा के प्रसाद के लिए महाराष्ट्र के पॉपुलर और ऑथेंटिक ऐसे उकड़ीचे मोदक यहाँ पे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी इसे जरूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको आज की मेरी यह रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऐसी ही और मजेदार रेसिपी के साथ मैं कविता की थाली में फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए हंसते रहें और खाते रहें। धन्यवाद।